हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कुमार अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, आज हम जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ये देखिए, मैंने ड्रॉ किया है एक चूड़ी पैंट जो पायजामा की तरह दिखता है। वो वीडियो आप लोगों को सामने लेकर आया हूँ सिखाने के लिए जो कैसे हम चूड़ी पैंट बनाए और यानी कि चूड़ीदार पायजामा। ठीक है, तो चलिए उससे पहले मैं बता दूँ, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हम लोगों से कहूँगा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और उससे क्या होगा, मैं जितना वीडियो इंटरनेट पे डालूंगा वो ऑटोमेटिकली आपका चैनल पर चला जाएगा। और जो फ्रेंड घर में बैठकर हमारा वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों से फिर से मैं थैंक्स कहूंगा। आप इसी तरह देखते रहिए, सीखते रहिए। और फ्रेंड जो हमारा सब्सक्राइबर है, और उन लोगों के लिए मैं बहुत बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, नया नया कोई ड्राफ्टिंग पैटर्न किस तरीके से आपको इजी घर में बैठकर कर सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा सा फॉर्मूला दे रहा हूँ आप लोगों को बहुत एक्सपेरिमेंट करके, जे आप लोगों को कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा ये जो फार्मूला मैं दे रहा हूँ, ये मेरे मैं एक्सपेरिमेंट करके ये फार्मूला बनाया और उसके बाद आप लोगों को दे रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए मैं ये जो चूड़ीदार पायजामा का मैं फॉर्मूला आप लोगों को दे दूंगा। तो उससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड, जो ये हमारा जो यानी कि चूड़ी पैंट बनाने के लिए मेजरमेंट कौन सा चाहिए हमें, तो फ्रेंड ये हमारा एट फर्स्ट हमारा वेस्ट चाहिए, लोअर वेस्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पिक्चर, इसी का वेस्ट कहते हैं। ठीक है, वेस्ट, लोअर वेस्ट हम लेंगे। उसके बाद फ्रेंड हम हिप लेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड और एक मेजरमेंट चूड़ी पैंट का चाहिए, जो थाई का माप होता है वो इसे कहते हैं थाई। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट हम लेंगे और उसके बाद ये जो चूड़ी का जो बटन होता है ना उसका लेंगे, और टोटल इसका यहाँ से यहाँ तक जो फुल लेंथ होता है ना वो उसका मेजरमेंट चाहिए। ठीक है, तो इसे कैसे हम लेंगे, तो ये देखिए मैंने एक फुल लेंथ 38 लिया है, यानी कि वेस्ट हम फ्रेंड लोअर वेस्ट उसका मेजरमेंट नहीं लगता है, तो मैंने लिख कर यू ही लिख लिया, तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं क्रॉस दिखाया इसमें। और हिप फ्रेंड 42 है, हाई है फ्रेंड 29, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मैं अभी तक नहीं बोला इस मेजरमेंट को। तो ये फ्रेंड ये बहुत ही वाइटल है, मगर नहीं आप ले सकती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यह से यह हाई का मेजरमेंट होता है, ये मेजरमेंट चाहिए। ये देखिए 29 हमने लिया है, थाई का मेजरमेंट हमने 15 इंच लिया है। ठीक है, यानी कि राउंड करके 15 इंच, और लेग जो बॉटम राउंड है तो ये देखिए बॉटम राउंड का हम 8 इंच लिया है, ये तो नैरो करना है हमें। ठीक है, और यह से थोड़ा सा हुक लगता है। ठीक है, हुक से हम इसे लगा के रखते हैं। ठीक है, और फ्रेंड कुछ नहीं चाहिए, तो मैं कुछ बोल दूँ इससे पहले आप ये फार्मूला को नोट कीजिएगा, क्योंकि जब हम बताएंगे आप ये फार्मूला आप लोगों को लिख कर हमारा जब हम कटिंग करेंगे अपना पास रखेंगे, हमारा पास तो हम रखेंगे मगर अपने पास आप हमारा यूट्यूब से स्क्रीन शूट कर सकते, यानी कि यूट्यूब वीडियो को होल्ड करके आप इसे लिख कर उसके बाद सामने लेकर हम जब कटिंग करेंगे आप वो बातों को समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं फार्मूला से आपको समझाऊंगा उसी वक्त आपको अपना फार्मूला देखकर समझना है। तो ये फार्मूला आप लिख लीजिए जिस तरीका से मैंने इसमें मेजरमेंट किया है। आप थोड़ा सा कैमरा को क्लोज करके दिखा रहे हो, ये ए बी सी डी। ठीक है, सभी मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा फ्रेंड, आप पहले इसे लिख लीजिए। थोड़ा सा धीरे धीरे करके कैमरा को मैं उठा रहा हूँ, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये सभी फ्रेंड लिख सकती है। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 1 है, और उसके बाद इसे आप लिख लीजिए। थोड़ा थोड़ा बंगाली लिखा हुआ है इसमें, मगर वो हम बाद में समझा देंगे आप लोगों को, हिंदी में समझा देंगे। और फ्रेंड और भी रिक्वेस्ट आ रहा है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने हमें कह रहा है इंग्लिश में अपलोड करने के लिए वीडियो, और इंग्लिश
सबटाइटल देने के लिए। तो फ्रेंड मैं उन लोगों से कहूँगा, गुजारिश करूँगा, फ्रेंड आप लोग क्या कीजिए, मैं जो डायग्राम से आप लोगों को सीखना पड़ेगा, यानी कि जो तस्वीर वीडियो में देख रहे हैं उसी से आप लोगों को सीखना पड़ेगा। और जो सबटाइटल होना है ना, वो वीडियो करने के लिए एडिटिंग करने के बाद बहुत वक्त निकल जाता है, यानी कि 1 घंटे एडिटिंग करने के लिए 2-3 घंटे तो लग ही जाता है जब हम टाइटल सबटाइटल देने लगता है। तो उससे क्या होता है, हमारा दिन में अगर हम 10 वीडियो अपलोड करें तो उससे 1 वीडियो अपलोड होगा, तो ये बहुत प्रॉब्लम में हो जाएगा, हमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा और आप सभी फ्रेंड को प्रॉब्लम हो जाएगा। जो कोर्स में इतना फास्ट आगे बढ़ रहा हो, उतना तेज़ी से मैं नहीं बढ़ सकूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को गुजारिश करूंगा, आप लोग डायग्राम से देखें और डायग्राम से आप लोग बहुत इजी तरीक़े से आप समझ जाएगा। ये जो फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ इसको भी आप ठीक तरीक़े से मैं समझेंगे इस लैंग्वेज को, और इसे भी आप कर सकती हैं, मगर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा फार्मूला आप ले लिया, तो चलिए अब हम दिखाएंगे जे इस फार्मूला से हम कैसे एक पैटर्न कटिंग करें, ठीक है। तो पैटर्न कटिंग करने के बाद हम एक कागज में दिखाएंगे, ठीक है। तो कागज में पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और ये है फ्रेंड हमारा, जैसा कि चूड़ी पैंट है, मैंने जब आप लोगों को बोला था मैं 2 तरीका दिखाऊंगा। एक आपके पास अगर कोई भी बनाने के लिए उसका खुद का एक चूड़ीदार छोड़ दे तो उसी हिसाब से दिखाऊंगा, और दूसरा हम दिखाऊंगा फिर अगर ये आपके पास ना हो, सिर्फ आपके पास मेजरमेंट हो, उसी हिसाब से कैसे कटिंग करें। और उसके बाद जो मैं ये चूड़ीदार से मेजरमेंट लेकर दिखाऊंगा फिर उसे हम नई कटिंग करेंगे, नई स्टिच करेंगे, वो सिर्फ आप लोगों को समझाएंगे, और उसके बाद जो हमारा मेजरमेंट है वो उसे कैलकुलेशन करके हम दिखाएंगे। अभी तो हम ये मेजरमेंट से कैसे हम कटेंगे वो हम ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है। तो उसे करने के लिए क्या क्या चाहिए फ्रेंड आप देखिए, मैं धीरे से करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और साथ ही साथ फॉर्मूला को आप लोगों को समझा रहा हूँ, जबकि आप इतना आसानी के सीख सके आपको पता ही नहीं चलेगा जी, 1 घंटे में आप ये सब सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए ये एक पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट हमें ठीक है, ये हमारा एक एक्स्ट्रा पार्ट हुआ है, वो पार्ट हम अलग से दिखाएंगे, और नीचे से और एक पार्ट हमें चाहिए, ठीक है। ये तो चलेगा, और ये भी क्या है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा फ्रेंड, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें लिखा है ABCD 4 पीसेस हमें चाहिए, यानी कि हमारा जो वेस्ट का जो मेजर, ये देखिए हम साथ ही साथ आप लोगों को सिखाने के लिए कितना आसानी से ये जिस तरीके से ये ड्रॉ किया है पेंटिंग, वो उसी तरीके से इसको कहते हैं केसिंग, ठीक है। यानी कि वैसे हिप तक जो ऊपर वाला का जो पार्ट है वो ऊपर का पार्ट का हम केसिंग कहते हैं, उसका एक मेजरमेंट होता है फ्रेंड, ठीक है। ABCD इसका फॉर्मूला मैंने दे दिया है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें ढूंढिए, ये देखिए AB = केसिंग प्लस केसिंग लेंथ फॉर्मूला, ठीक है। माने ये केसिंग कहता है, उसका लेंथ क्या होता है यानी कि लंबाई कितना है उसका फार्मूला है। ये देखिए मैंने इसमें एक फार्मूला दिया है फ्रेंड, 1/4 ऑफ हिप प्लस इस प्लस सीम्स 4 पीसेस पार्ट होगा, यानी कि जिस तरीके से ये हम काटेंगे हमें 4 पीसेस पार्ट होगा। तो उसका मतलब क्या है ये देखिए मैं साथ ही साथ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर हम इस तरीके से हम काटें, यानी कि ये देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, ठीक है। ये इसके लिए फिर से देखिए, 1/2 ऑफ हिप प्लस इस प्लस सीम्स 2 पीसेस पार्ट, ये इसमें बंगला लिखा है 2 पीसेस पार्ट हो, यानी कि 2 पीसेस पार्ट होगा इसमें। वो क्या है फिर, वो इस तरह होगा, थोड़ा सा खुला क्या, ये देखिए 1 पार्ट और ये 1 पार्ट 2 पार्ट,
तो देखिए एक ही पैटर्न पैटर्न करने का तरीका को मैं किस तरीका से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, देखिए मैंने एक दिखा है, दो दिखा है, अब देखिए मैं ये दो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, टोटल हिप लेना पड़ेगा प्लस इस प्लस सीम्स भागा फोर, यानी कि इसको करने के लिए ये अलग से एक फार्मूला है, ये देखिए एक दो तीन चार और टोटल हिप प्लस इस प्लस सीम्स भागा टू, ये देखिए इसको करने के लिए टोटल ये फार्मूला है। तो ये भी फार्मूला मैंने आप लोगों को दे दिया, ठीक है, यानी कि चार फार्मूला मैंने दे दिया इसमें, और जितना आप लोगों को जिस फार्मूला में आप कंफर्टेबल फील करें वो उसे आप कर सकते हो, मगर आपको जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड ये कैसे हम पटीला करें। और मैं एक चीज को अगर आप जाने तो ठीक तरीके से आप लोगों को जानना चाहिए सीखना चाहिए, क्योंकि मैं दिखाया आप कर सकते हो ये देखकर, ये ऐसा नहीं सीखना है आपको, ग्रामेटिकल मेंटेन करके आप लोगों को सीखना है, ठीक है। तो ये सिखाने के लिए मैं आप लोगों को दिया हूँ फ्रेंड। और उसके बाद देखिए हमें तो क्या चाहिए, केसिंग चाहिए, तो हम क्या लेंगे, हम इस फार्मूला के करेंगे, ये देखिए स्टार मार्क क्या है, इस फार्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि टोटल हिप, यानी कि टोटल हिप प्लस लूज और इस कहते हैं इसे, और उसके बाद सिम्स और उसके बाद भागा फोर, ये फार्मूला हम ले रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और बाद में हम दिखाएंगे डायरेक्ट हम कैसे कटिंग करें वो हम दिखाएंगे आप लोगों को। अगर ये मैं ठीक तरीके से आप लोगों को समझा पाऊँ तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे ये कैसे हम पैटर्न कटिंग करते हैं, ये पैटर्न दिखा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये ए बी है और ये सी डी है, ये हमारा केसिंग का लेंथ है और यहाँ पर हमारा फोल्ड चिन्ह है फ्रेंड, और इसमें फोर पीसेस, यानी कि एकोड रहेगा मगर दो पार्ट चौड़ाई होगा और इसमें फोर पीसेस दिखेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, मतलब फ्रेंड इस तरीके से, ये देखिए ए वन टू थ्री फोर, इसी हिसाब से ये कटेंगे। चलिए इसका मेजरमेंट हमें चाहिए, टोटल ही 42 प्लस हम लूज करेंगे फ्रेंड 4 इंच करेंगे, और सीम्स में हम देंगे चारों तरफ का हमें सीम्स चाहिए, यानी कि हम सीम्स में 1 इंच देंगे, ठीक है। 1 इंच का मतलब है फ्रेंड ये 4 इंच सीम्स है, ठीक है, मतलब एक तरफ अगर हमारा सीम्स रहा तो ये तो 4 पीसेस पार्ट होगा, तो ये 4 पीसेस यानी कि 4 इंच सीम्स में जो होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, उसके बाद क्या होता है 4, 46 प्लस 47, इसको क्या करेंगे भागा 4 करेंगे, यानी कि 47 भागा 4 कितना होता है हम देख लेते हैं,